हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जिस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी सीवीएस की मार्किंग। ये पार्ट टू है वीडियो का। इसके अंदर हम लोग जो है वो एंटी एरिदमिक्स और हमारे पास जो डायुरेटिक्स वाला चैप्टर है उन दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने एंटी एरिदमिक ड्रग्स के अंदर सबसे पहली जो चीज़ करनी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एंटी एरिदमिक की क्लासिफिकेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसकी 5 क्लासेज हैं और आपको पता होना चाहिए कि क्लास 1 जो है वो सोडियम चैनल ब्लॉकर है, क्लास 2 बीटा ब्लॉकर है, क्लास 3 पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, क्लास 4 जो है वो हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और जो क्लास 5 है वो मिसलेनियस है, और जो क्लास 1 है वो फर्दर 3 क्लासेज में डिवाइडेड है। इन 3 क्लासेज की डिवीजन की बेसिस क्या है और फर्दर वो जो बेसिस है उसको आपने एक्सप्लेन भी करना है कि क्लास 1 जो है वो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग करती हैं, वो कैसे प्रोलॉन्ग करती हैं, क्लास 1B जो है वो कैसे डिक्रीज़ करती है हमारे पास एक्शन पोटेंशियल को, और जो क्लास 1C है उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता एक्शन पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद एंटी एरिदमिक ड्रग्स की तरफ आते हैं। इसमें आपने सबसे पहले जो चीज़ कवर करनी है दैट इज़ कि आपको पता होना चाहिए कि एरिदमिया होता क्या है। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन तो आपने कवर कर ही ली है। आपने ये जो स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ है इसको अपनी समझ के लिए जो है वो एक दफ़ा लाजमी रीड कर लेना है। जो MCQ पॉइंट्स हैं वो आपके ये वाली साइड से जो है वो बनेंगे, जैसे कि AFib जो है वो सबसे कॉमन सीरियस एरिदमिया है। ठीक है, तो ये एक MCQ पॉइंट बन सकता है कि सबसे मोस्ट कॉमन एरिदमिया कौन सा है, दैट इज़ AFib। फिट और सैडस डी पॉइंटस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए। ये MCQ पॉइंट बन सकता है कि टोर सैडस डी पॉइंटस के अंदर लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम होता है। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपने कवर कर लेनी है। हाई यील्ड टर्म्स आपने अच्छे से जो है वो उनको पढ़ लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ग्रुप 1 आता है। ग्रुप 1 में उन्होंने बताया हुआ है कि 1A, 1B और 1C कौन कौन सी हैं, और इसी में उन्होंने बताया हुआ है कि जो 1A है वो प्रोलॉन्ग करता है एक्शन पोटेंशियल को, 1B जो है वो हमारे पास डिक्रीज करता है एक्शन पोटेंशियल को, और 1C जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता हमारे पास AP के ऊपर। तो आपने ये वाली सारी जो चीज़ें इनको यहाँ से एक दफ़ा रीड कर लेना है और इसको कवर कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ड्रग जो है वो 1B उसका डिटेल्स बताई हुई है फर्दर के 1A के अंदर प्रोलॉन्ग कैसे हुआ है, 1B के अंदर डिक्रीज कैसे हुआ है, 1C के ऊपर कोई इफेक्ट क्यों नहीं आया, और 1C के अंदर ये देखें ECG का एक इफेक्ट बताया हुआ है कि इसके अंदर QRS की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, ये एक MCQ पॉइंट बन सकता है। फिर उसकी क्लिनिकल यूजेज और उसकी टॉक्सिसिटीज बताई हुई हैं, आपने इन सबको रीड करके साइट पर ना अलहदा से नोट्स बना लेने हैं, वो भी मैं आपको एंड पर दिखाऊंगी कि एक ही पेज में पूरा एंटी एरिदमिया कैसे कवर किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास ग्रुप 1B है, उसकी क्लिनिकल यूजेस उसकी टॉक्सिसिटीज़ बताई हुई हैं, इसको आपने रीड कर लेना है, देख लेना है कौन सा बहुत ज़्यादा कार्डियोटॉक्सिक है, छोटे छोटे टॉक्सिसिटीज़ और उसके जो यूजेस हैं वो सारे आपने साइड बाय साइड कवर करते जाना है। फिर ग्रुप बी वाले ड्रग्स इसी तरह आपने ग्रुप 1C भी कर लेना है। फिर ग्रुप 2 की तरफ आते हैं बीटा ब्लॉकर्स वाले, इसकी आपने देख लेना है कि क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फिर इसकी क्लिनिकल यूजेस इसकी टॉक्सिसिटीज़ देख लेनी है। इसी तरह ग्रुप 3 है, इसको आपने कवर कर लेना है। फिर हमारे पास अमायोडेरोन आ जाता है, अमायोडेरोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। ग्रुप 4 देख लेना है, उसके हम आप लोगों ने टॉक्सिसिटीज़ देख लेनी है, और मिसलेनियस ड्रग्स देख लेने हैं कि एडीनोसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा पोटेशियमाइन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने ये जो इसके MCQ पॉइंट्स हैं उनको भी लाजमी कवर कर लेना है। अदर देन दैट टॉक्सिसिटीज़ इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि किसकी क्या टॉक्सिसिटी है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट आपने देख लेने हैं, और स्पेशली वो ड्रग्स जो डुअल इफेक्ट रखते हैं, लाइक क्विनिडीन जो है वो एंटी मलेरियल के तौर पे भी एक्ट करता है, तो इसलिए उसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा लिडोकेन भी डुअल इफेक्ट रखता है, तो उसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो भी ड्रग ऐसी जिसका डुअल इफेक्ट हो उसकी टॉक्सिसिटीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपने, उसकी डिटेल को आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और ये है मेरे पास चैप्टर की शॉर्ट लिस्टिंग। ठीक है, ये एक ही पेज के अंदर पूरा एंटी एरिदमिया का चैप्टर जो है वो कवर हो रहा है। मैंने इसके अंदर सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिखी है, और क्लासिफिकेशन के साथ साथ ही मैंने लिख दिया कि कौन सी जो क्लास है वो कौन से किस्म के एरिदमिया के अंदर यूज़ हो रही है। लाइक 1A जो है उसको एट्रियल वेंट्रिकुलर एरिदमिया में यूज़ किया जाता है, 1B को वेंट्रिकुलर एरिदमियाज में, 1C को हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टरी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनके एडवर्स इफेक्ट्स लिख दिए, हर ड्रग के अलग अलग एडवर्स इफेक्ट लिख दिए, ये भी बता दिया कि अगर 1A की ओवरडोज हो जाएगी तो कौन सी ड्रग्स यूज़ नहीं है। ठीक है, क्या होगा जिसकी वजह से हमारे पास एडवर्स इफेक्ट जो है क्लास 1 के वो ज्यादा हो जाएंगे हाइपरकलीमिया की कंडीशन में। फिर उसके बाद फेनिटोइन का अलहदा से बता दिया है। ठीक है, कि इसको डिजिटेलस इंड्यूस्ड एरिदमियाज में यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिजिटेलस इंड्यूस्ड एरिदमियाज में आप कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग ये वाली 3 ड्रग्स यूज करते हैं, फेनिटोइन, लिडोकेन और पोटेशियम आइन। अगर किसी को टोरसैडस डी पॉइंटस हो तो उसके अंदर आप कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, तो वो ये वाली 5 ड्रग्स हैं, आपने वो देख लेनी है। फिर बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो कौन सी में यूज़ करते हैं, लाइक अगर आपके पास पेशेंट आता है एक्यूट थायरोटॉक्सिक एरिदमिया का, तो उसके अंदर वो पूछ लें आपसे सिनेरियो के अंदर कि एक्यूट थायरोटॉक्सिक एरिदमिया का पेशेंट है तो उसको आप कौन सी ड्रग दोगे, तो आप उसको बीटा ब्लॉकर दोगे। दिस इज़ हाउ यू सॉल्व दी सिनेरियोज। ठीक है, फिर ग्रुप 4 ड्रग्स आ जाते हैं, अमायोड्रोन। अमायोड्रोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चारों क्लासेस को बिलोंग करता है, चारों क्लासेस की तरह एक्ट करता है,
सकता है, ठीक है। इसकी टॉक्सिसिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पूछी गई हैं। एडीनोसिन का एमसीक्यू बहुत दफ़ा पूछा गया है कि पेरोक्सिज्मल टैकीकार्डिया में किसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ एडीनोसिन। फिर बिंजी ड्रिंकिंग की वजह से, अल्कोहल की बिंजी ड्रिंकिंग की वजह से भी अरिथमियाज होती हैं, हम लोग पॉइंट CNS में भी कवर करेंगे, ठीक है। तो अरिथमियाज को आप ऐसे एक पेज के ऊपर जो है वो कवर कर सकते हैं। जो है ना डायूरेटिक्स का चैप्टर, इसकी आपने क्लासिफिकेशन जो है वो अच्छे से कर लेनी है। क्लासिफिकेशन करने के बाद आपने इस पूरे चैप्टर को ना एक दफ़ा रीड दे लेनी है, ठीक है। और रीड दे के आपने इसमें से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना वो उठा के साइड पे कर लेने, ताकि आपको बार बार ये पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े। क्योंकि इसमें पहले उन्होंने फिजियोलॉजी बताई हुई है कि वो नॉर्मली एक्ट कैसे करता है, और फिर बाद में उन्होंने ये बताया हुआ है कि आप इसको कोई भी ड्रग को यूज़ करने से आपके क्या इफेक्ट्स आएंगे और वो कैसे है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये डायूरेटिक्स की क्लासिफिकेशन है, आपने इसकी क्लासिफिकेशन अच्छे से कवर कर लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये फार्माकोकाइनेटिक्स लिखी हुई है, फार्माकोकाइनेटिक बताई हुई है कि एसीटोजोलामाइड की क्या है, लूप डायूरेटिक्स की क्या है। एसीटोजोलामाइड इज एक्चुअली कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर वाला डायूरेटिक, ठीक हो गया। ये सारी ड्रग्स की ना यहाँ से ही ली हुई हैं, और ये मैंने साइड पे करके लिखी है ताकि मुझे चैप्टर बार बार रीड ना करना पड़े, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर की मार्किंग मैं आपको नोट्स ही करवाऊंगी, क्योंकि मैंने सारा चैप्टर एक दफ़ा रीड कर लिया था और रीड करके मैंने इसके नोट्स बना लिए थे। तो देयर इज़ नथिंग इंपॉर्टेंट जो बुक में लिखा हो और वो नोट्स में ना लिखा हो, ठीक है। आपने इसको रीड करके अपने नोट्स जो हैं वो बना लेने हैं। इसके अंदर डायूरेटिक्स आते हैं, सबसे पहले हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हैं, वो कैसे नॉर्मली एक्ट करते हैं वो वाली चीज़ देख ली, ठीक हो गया। फिर उसके यूजेस देख लेके, ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, मेटाबॉलिकल कोलोसिस में यूज़ करते हैं क्यों, माउंटेन सिकनेस में यूज़ करते हैं क्यों, रीजंस लिखी हुई हैं साथ में, यूरिनरी अल्कलाइनाइजेशन में यूज़ करते हैं। और जिनके यूजेस की एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी हुई थी डिटेल में, उनके सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, एक्सप्लेनेशन आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी एक दफ़ा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर अदर देन दैट अगले पेज पर इसकी टॉक्सिसिटीज़ लिखी हुई हैं कि टॉक्सिसिटी में ये कौन कौन सी टॉक्सिसिटी करवाता है और क्यों करवाता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और किस केसेस के अंदर किस पेशेंट को हम लोग ये नहीं देंगे। ये सारी बातें बुक में लिखी हुई हैं, वही सारी बातें मैंने यहाँ पर दोबारा खुद से लिखी हुई हैं। फिर हमारे पास लूप डायूरेटिक्स आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हाई सीलिंग इफेक्ट रखता है, जबकि थायराइड डायूरेटिक्स लो सीलिंग इफेक्ट रखते हैं। तो ये एक एमसीक्यू पॉइंट है, आपने ये देख लेना ये कैसे एक्ट करते हैं, ठीक है। ये वही सारा कुछ लिखा हुआ है। फिर इसके यूजेस लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं, थायराइड डायूरेटिक्स को और लूप डायूरेटिक्स को मिला इकट्ठे जो वो हम लोग डायबिटिक नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स में देते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने यहाँ से कवर कर लेना है। फिर इसके जो है वो हमारे पास एडवर्स इफेक्ट आते हैं। एडवर्स इफेक्ट में इसके ये 6 एडवर्स इफेक्ट्स हैं, आपने ये सारे एडवर्स इफेक्ट देख लेने। इसमें से ऑटोटॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिकली कौन सा जो हमारे पास लूप डायबिटिक है वो ऑटोटॉक्सिसिटी करवाता है ज़्यादा, एथाक्राइनिक एसिड ज़्यादा करवाता है। ये ऑटोटॉक्सिसिटी का क्वेश्चन अलहदा से भी पूछा जाता है कि ऑटोटॉक्सिसिटी कौन कौन से ड्रग्स करवाते हैं, तो वो आप कीमो में फर्दर और ड्रग्स पढ़ेंगे, तो उसके साथ आपने इसको जो है वो देख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं थायराइड डायूरेटिक्स, वो कैसे एक्ट करते हैं, ठीक है, उनके यूजेस क्या क्या है, ये सारा आपने देख लेना है। और फिर उसकी टॉक्सिसिटीज़ लिखी हुई हैं कि कौन क्या क्या टॉक्सिक इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट ये रखते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, किस तरह ये एक्ट करते हैं, इनके यूजेस क्या हैं, इनकी टॉक्सिसिटी क्या है, और इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं, ये आपने कवर कर लेनी है। फिर उसके बाद लास्टली जो है वो हमारे पास ऑस्मोटिक डायूरेटिक आता है, जिसमें मैनिटोल आता है, उसके दो यूजेस हैं और उसकी दो ही टॉक्सिसिटीज़ हैं, ये दोनों आपने कवर कर लेने हैं। और इसी के साथ जो है वो हमारा CVS का जो मॉड्यूल है वो कवर हो जाएगा। एट दी एंड आपने जो इस मॉड्यूल की MCQs हैं उनको लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। एक दफ़ा आप उसको लाजमी देख लीजिएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि कौन से जो ड्रग्स हैं वो हमारे पास लाइक नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में हम लोग कौन सा यूज़ कर सकते हैं। अब दो तरह की डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है, एक सेंट्रलाइज्ड होती है, एक नेफ्रोजेनिक होती है। अगर सेंट्रलाइज्ड होगी तो फिर तो हम लोग वेजोप्रेसिन यूज़ करेंगे ना, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नेफ्रोजेनिक पूछी हुई है तो स्पेसिफिकली अगर उन्होंने कहा हो कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है तो उसमें थायराइड डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं, तो ऐसे कुछ सिनेरियो में क्वेश्चन आ जाएगा कि एक पेशेंट है उसको नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इन स्पीडस है तो उसको आप कौन सी ड्रग देंगे, तो आप उसको थायराइड डायूरेटिक्स देंगे, या MCQ पॉइंट ऐसे आ जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपने बहुत डिटेल में कवर करना है। CVS का मॉड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है प्रॉफ के लिहाज से, तो इसलिए आपने इसको बहुत ही अच्छे से कवर करना है और कंसेप्चुअली कवर करना है। बाकी उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।